नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी में। आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि राज्यसभा में सांसदों का चुनाव किस प्रकार से होता है, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद राज्यसभा पहुंचते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक एक पॉइंट करके यहाँ पर सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा लो तो वहाँ से राज्यसभा में सांसदों का निर्वाचन प्रणाली से संबंधित एक न एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में डायनेमिक पार्ट को कवर करते हुए हम लोग स्टैटिक पार्ट को भी जानेंगे, ताकि आपसे अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो आप वहाँ आसानी से हल कर सको। इस वीडियो के एनालिसिस के आधार पर, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे 2 से 3 प्रश्न पूछूंगा, एनालिसिस के आधार पर ही होगा, तो उसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आज इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर क्यों एनालिसिस करने वाले हैं। तो शायद आप लोगों को पता होगा कि 2 अप्रैल को राज्यसभा की जो है 1/3 सीटें खाली होने वाली है, यानी कि 55 सीटें जो हैं वो राज्यसभा का रिक्त हो रहा है 2 अप्रैल 2020 को, और इसी के लिए 26 मार्च को इन 55 सीटों के लिए इलेक्शन होना है, और ये जो 55 सीट हैं 17 राज्यों के होंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक अगर न्यूज़ में है तो यहाँ पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, और इस एनालिसिस के आधार पर डायनेमिक पार्ट और स्टैटिक पार्ट दोनों को हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं, ताकि अगर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने तो हमसे आसानी से सॉल्व हो सके। ठीक, चलिए आज का जो हमारा एनालिसिस होगा इन कुछ बिंदुओं पर होगा। तो जो मेन हमारा फोकस है कि राज्यसभा के सांसद यानी कि सदस्यों का जो निर्वाचन है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए, हमारे सदन में 2 सदन होते हैं, ये हम सभी को पता है। हमारे पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन भी कहते हैं, लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस भी कहते हैं, राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस कहते हैं, या फिर इसे हम लोग उच्च सदन भी कहते हैं। लोकसभा अस्थाई होता है, लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा एक स्थाई सदन होता है, इसका विघटन नहीं होता है। अमूमन लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 1 साल ज़्यादा होता है, यानी कि 6 सालों का होता है। लेकिन हर 2 साल में राज्यसभा की 1/3 सीटें खाली होती है और इस पर इलेक्शन होता है हर 2 साल में। जैसे कि इस बार 55 सीटों पर इलेक्शन होने वाला है, कब? आपका 26 मार्च को। ठीक है, तो ये जनरल सी इन्फॉर्मेशन लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। एक बात और आप लोगों को ये भी पता है कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता डायरेक्ट चुनकर लोकसभा के सांसदों को लोकसभा में पहुंचाती है, और राज्यसभा का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रक्रिया के तहत में होता है उस पर हम लोग आगे यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि क्या प्रक्रिया है राज्यसभा के पूरे सदस्यों का निर्वाचन का। सबसे पहले सामान्य परिचय के बाद हम लोग आर्टिकल 80 के बारे में जानते हैं। क्या कहता है अनुच्छेद 80? तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 80 कहता है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकता है, जिसमें से 238 सदस्य जो होंगे वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुन कर आएंगे, और जो 12 सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति द्वारा नामित होकर राज्यसभा पहुँचेंगे। और ये जो सदस्यों की संख्या है वो राज्य के जनसंख्या पर निर्भर करता है, और राज्य के जनसंख्या के आधार पर ही वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 न होकर 245 है, जिसमें से 233 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व से आए हैं, और जो बाकी 12 सदस्य हो गए वो आपके राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य हैं। तो इसमें से 55 सीटें खाली हो रही हैं जिस पर आपका इलेक्शन होना है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, और वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या किस प्रकार से है। तो ये सदस्यों की जो संख्या का व्याख्या किया गया है ये आपका अनुच्छेद 80 में किया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची यानी कि फोर्थ शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ शेड्यूल में लिखा गया है राज्य
और केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधित्व राज्यसभा जाएंगे उनका विवरण जो है आपका फोर्थ शेड्यूल में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को समझिए, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। यहाँ से हमारा पूरा निर्वाचन की प्रक्रिया जो राज्यसभा के सांसदों के लिए किया जाता है उसके बारे में है, ध्यान से समझिएगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, सबसे पहला आपसे एक सवाल है यहाँ पर कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति राज्यसभा के सांसदों के अलावा और किनके किनके लिए होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, राष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और इसके अलावा जो आपके विधान परिषद का चुनाव होता है, राज्यों में जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन सा चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा के सांसदों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जो राज्यसभा के सांसदों का होता है वो किस प्रक्रिया के तहत में होता है, वो होता है एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। ये क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए, राज्यसभा में जिन सांसदों का चुनाव होना होता है उनका चुनाव करते हैं विधानसभा के सदस्य, यही वोट करते हैं और यही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो अब एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या हुआ, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो किसी एक व्यक्ति को वोट नहीं करते हैं, वरीयता दिया हुआ रहता है। जैसे एक सपोज समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में 5 राज्यसभा की सीटें खाली हैं, तो विधानसभा के जो सदस्य हैं इस 5 में से किसी एक को वोट ना करके यहाँ पर जो वोट का जो वैलेट होता है उस पर क्रमानुसार वरीयता क्रम होता है 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको यहाँ पर प्रिफ्रेंस देना होगा कि आपका पहला वोट किनको है, आपका दूसरा वरीयता किनको है, आपका तीसरा वरीयता किनको है, आपका चौथा वरीयता किनको है और पांचवा वरीयता किनको है। तो यही एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है, यानी कि आप किसी एक को वोट ना देकर आप वरीयता दे रहे हो कि पहले क्रम पर मेरा ये च्वाइस है, दूसरे क्रम पर मेरा ये च्वाइस है, तीसरे क्रम पर मेरा ये च्वाइस है, और जो प्रायोरिटी मिलती है वो जाहिर सी बात है पहले क्रम वाले को ही मिलेगा। तो ये होता है एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और इसी प्रणाली के तहत में राष्ट्रपति, राज्यसभा के सांसद, विधान परिषद के सदस्य और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, इस बात को यहाँ पर आप लोग समझिएगा। अब यहाँ पर आप लोग ये समझिएगा कि राज्यसभा के सांसदों की चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, यानी कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो किस प्रकार से वरीयता के क्रम में जो वोट डालते हैं राज्यसभा के सांसद के लिए वो किस प्रकार से डालते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ उत्तर प्रदेश का। जैसे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, 403 है। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है, 403 उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं, और यहाँ पर टोटल राज्यसभा की सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में, 31 है। अब जैसे मैंने बोला कि हर 2 साल में 1/3 सीट खाली हो जाता है, तो अभी जो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें खाली हुई हैं और जितनी सीटों पर इलेक्शन होना है वो सीटें हैं आपकी 10। अब यहाँ पर 10 राज्यसभा के सांसद चुने जाने हैं, तो अब ये किस प्रकार से चुने जाएंगे वो समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं, 403। 403 को हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे जितनी राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होना है उतना से, और इसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, 403 डिवाइड बाई 11, तो ये आपका 36.6 आ जाता है। ठीक है, और इसमें भी हम प्लस 1 जोड़ देंगे, तो यहां पर जो प्रायोरिटी होगी यानी कि प्रथम वरीयता के लिए जो मिनिमम वोट होगा एक राज्यसभा सांसद के लिए वो 37 विधायकों का होना चाहिए। नहीं समझ आया, एक बार फिर से समझाता हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। एक फॉर्मूला होता है, उसी के तहत में विधानसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो फॉर्मूला इस प्रकार से है कि कुल विधायकों की संख्या डिवाइड बाई
जितनी राज्यसभा की सीटें खाली है उतना प्लस वन, और उसके बाद इक्वल करने के बाद उसमें प्लस एक और जोड़ा जाता है। एक और एग्जांपल की सहायता से मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे छत्तीसगढ़ में विधानसभा की टोटल सीटें कितनी हैं, 90 हैं, और यहाँ पर टोटल राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 5 हैं, और वर्तमान समय में जो राज्यसभा का इलेक्शन होने वाला है वो कितनी सीटों पर होने वाला है, 2 सीट पर होने वाला है। तो क्या फॉर्मूला कहता है कि यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों का वोट को गिनती वरीयता के क्रम के हिसाब से किस प्रकार से किया जाएगा। तो सबसे पहले 90 कुल विधानसभा की सीटें, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कितना, कितने सीटों पर इलेक्शन होने वाला है, 2 सीटों पर, 2 प्लस 1, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90/3, यहाँ टोटल कितना आ गया, 30, और इसमें हम लोग प्लस एक जोड़ देंगे, यानी कि एक राज्यसभा सीट के लिए यहाँ पर मिनिमम जो वोटों की संख्या चाहिए वो 31 चाहिए, उसके बाद वो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व बन जाएगा। ये एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। करंट अफेयर का जब वीडियो एनालिसिस होगा उसमें मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझा दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किस प्रकार से होता है। मैंने पहले ही बताया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 साल का होता है, लेकिन हर दूसरे साल में राज्यसभा की जो टोटल सीटें हैं उसका 1/3 सीटें खाली हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग को पता है कि राज्यसभा स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होता, तो सदन की कार्यवाही निरंतर चलते रहे इसीलिए यहाँ पर जो है हर 2 साल में सीटें बदलती रहती हैं। हर साल में जो है वो 1/3 जो है, 1/3 अगर सीटें खाली भी हो जाती है तो 2/3 तो रहेगा ही, तो इसीलिए 1/3 सीटें जो है राज्यसभा की हर 2 साल में खाली हो जाती है। तो कार्यकाल याद रखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल तो आप लोग को पता ही है कि 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। अर्हताएं क्या होती है यहाँ पर राज्यसभा से संबंधित, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसकी उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो वो भारत के नागरिक होने चाहिए, उनकी आयु, 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं वैसे यहाँ पर बता देता हूँ, ज़्यादा मैं आप लोग को यहाँ पर डिटेल में नहीं ले जाता हूँ। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए, 30 वर्ष, लेकिन इसके उल्टा लोकसभा में सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है, 25 वर्ष, ठीक है। वो किसी लाभ के पद पर काबिज नहीं होना चाहिए, भारत के संसद के द्वारा जो विधि बनाया गया है उसके अगेंस्ट किसी प्रकार से वो नहीं होनी चाहिए। तो ये इसकी सदस्यता की अर्हताएँ एवं निहर्ताएँ हैं। निहर्ताएँ में वो दिवालियापन नहीं होना चाहिए, वो किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए, और भारत सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाया गया हो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें जो है वो फुलफिल करता हो, ठीक है। तो इस तरह से राज्यसभा के सदस्यों की जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है या फिर निहर्ताएं हैं, इसके बारे में आप लोग कुछ कुछ पॉइंट याद रखिएगा। एक पॉइंट और यहाँ पर समझ लीजिए, राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में। राज्यसभा के पदाधिकारी का मतलब है कि यहाँ पर राज्यसभा का सभापति और राज्यसभा का उपसभापति। यहाँ पर सभापति कौन होते हैं राज्यसभा का, राज्यसभा के सभापति होते हैं आपके उपराष्ट्रपति, ठीक है। और इसके अलावा जब उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो या फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद संभाल रहे हों, तो ऐसे समय में वो राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं, बल्कि जो उपसभापति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिया गया है वो 89 से लेकर 92 में यहाँ पर सारे प्रोविज़न्स इनसे रिलेटेड दिया गया है। तो इस तरह से राज्यसभा में इलेक्शन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, पूरा फोकस आज हमारा इस पर था। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से शॉर्टकट में रिपीट कर दे रहा हूँ कुछ कुछ बातों को इलेक्शन से संबंधित राज्यसभा में जो आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति होता है, यानी कि राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा उस राज्य के जो प्रतिनिधित्व होते हैं, राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, उनका चुनाव होता है। सिर्फ राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही उनका चुनाव किया जाता है। राज्य विधान परिषद अगर किसी राज्य में है तो उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता है।
पद्धति का नाम याद रखिएगा, एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुना जाता है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इससे प्रश्न इस पॉइंट से हमेशा कभी ना कभी बनते आए हैं। तो इतने पॉइंट्स के आधार पर आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रक्रिया के तहत होता है, लेकिन फिर भी अगर मन में किसी प्रकार से कोई डाउट रहा हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब इस एनालिसिस के आधार पर कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए, यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आ सकते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर अधिकतम कितने सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आ सकते हैं। ऑप्शन है 245, 238, 250 या फिर 252, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, निम्न में से किसके चुनाव के लिए एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्य विधान परिषद या फिर ऑल ऑफ दी एवव यानी कि उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जवाब भी आपको कहाँ देना है, नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, अभी अभी मैंने बताया है पीछे एनालिसिस वाले में। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है हमारे लिए, राज्यसभा निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। पहला है, प्रत्येक 2 साल में राज्यसभा की 1/3 सीट खाली होने पर निर्वाचन होता है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, यहाँ पर राज्यसभा निर्वाचन में सिर्फ विधानसभा के सदस्य ही वोट कर सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, राज्यसभा का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस, मैंने पूरी कोशिश किया कि राज्यसभा में जो सांसदों की चुनावी प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है उसको मैं आप लोगों तक एनालिसिस करूं। यहाँ से प्रश्न हर साल किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप लोगों के लिए बनता ही है। किसी भी प्रकार से इस वीडियो से रिलेटेड अगर डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। इसके अलावा वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस पाने के लिए या फिर हमारे द्वारा जो भी मटेरियल अवेलेबल करवाया जाता है, जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं किसी कोर्स से रिलेटेड या फिर किसी वीडियो से रिलेटेड, तो वो सारा नोटिफिकेशन आपका कहाँ आता है, टेलीग्राम चैनल पे आता है। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट टेलीग्राम में कंपटीशन कम्युनिटी सर्च करोगे तो वहाँ से भी जुड़ जाओगे। वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो लाइक किया कीजिए, दोस्तों तक शेयर किया कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।